कैस्टर में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। मार्केट में आवकों का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, जो कि 10 से 12 दिन का रह सकता है। कैस्टर का उत्पादन कम रह सकता है, जिससे कैस्टर सीड की सप्लाई में कमी होगी और आगे कीमतों में उछाल आ सकेगा। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि चीन भारतीय कैस्टर की बड़े पैमाने पर खरीदी करता है, लेकिन चीन में फिर से लॉकडाउन लग चुका है, जिससे भारतीय कैस्टर ऑयल की मांग कुछ घट सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं कैस्टर सीड की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि चीन में लगे लॉकडाउन के चलते कैस्टर में फिर से सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिले, जो कि 7,100 से लेकर 7,500 के बीच का रह सकता है। कुल मिलाकर कैस्टर के फंडामेंटल्स मजबूत ही हैं, लेकिन जो चीन में फिर से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है, ऐसे में कैस्टर में थोड़ा चौकन्ना रहने की भी जरूरत है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।